Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो आज आ गए हैं मैकडी और हम तीनों मम्मी बेटा और बेटी मैकडी में वैल्यू मील ट्राई कर रहे हैं। वैल्यू मील में मिलता है एक आलू टिक्की बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, ये देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है, और कोल्ड ड्रिंक। और हमने एक्स्ट्रा लिया है ये पिज़्ज़ा मैकपफ और आइसक्रीम जो हमारी बाद में आएगी। तो ये देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है, ये बहुत अच्छे से मेयो लगा रखी है इस पर और बहुत ही सॉफ्ट इसका बन है। तो आलू टिक्की बर्गर वैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और वैल्यू में भी आ जाता है। और ये कोल्ड ड्रिंक बहुत टेस्टी लग रही है, इसके ना कोल्ड ड्रिंक का अलग ही टेस्ट होता है और आलू टिक्की बर्गर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है ये। तो वैल्यू मील बड़ी अच्छी सस्ती पड़ती है हमें, 99 रुपीज़ में ये तीनों चीज़ें पड़ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डील है। और ये देखिए आशी ने ना इसमें फ्रेंच फ्राइज लगा दी आलू टिक्की बर्गर में और अभी मज़े से खा रही है। और वहाँ ईशू अपनी अलग मस्ती में लगा हुआ है फ्रेंच फ्राइज, सबसे पहले वो अपनी फ्रेंच फ्राइज ख़त्म करेगा। और बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा इसका है। और अगर हम कहीं से बाहर से भी बर्गर खरीदते हैं वो भी 40 या 50 रुपीज़ का, तो वो भी आता ही है। तो मैकडी का बर्गर ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है ये। और ये आ गई बारी पिज़्ज़ा मैकपफ की, देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर इसमें बहुत सारी वेजीज भरी हुई हैं और बहुत अच्छी से इसमें क्रीम और मेयोनीज लगा रखी है। और ये देखिए कितना ही ज़्यादा क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। देखिए पिज़्ज़ा मैकपफ बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और इसका बेस्ट टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो कोल्ड ड्रिंक लेना ना भूले, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी है, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप एक बार मैकडी का बर्गर और ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। इसका ना कुछ अलग सा ही फ्लेवर ये लोग डालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। पिज़्ज़ा मैकपफ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये अब इशू अपनी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज में लगा हुआ है, देखिए बच्चों की ना अलग ही मस्ती शुरू हो जाती है जब उनको खाने के लिए मिल जाता है। देखिए फ्रेंच फ्राइज में ही लगा हुआ है अब तक। तो मेरी कोल्ड ड्रिंक भी अब ख़त्म होने वाली है और पिज़्ज़ा मैकपफ अभी हम खा ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसकी चीज़ जो है ना जो अंदर भर रखी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ऊपर से क्रिस्पी होने की वजह से ये कुछ अलग सा ही टेस्ट लगता है इसका। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, 34 या 35 का है ये, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैल्यू मील के साथ हमने तो ऐड लिया था, तो आप वैसे भी सिर्फ पिज़्ज़ा मैकपफ ट्राई कर सकते हैं। अब आ गई हमारी आइसक्रीम, ये है इशू की आइसक्रीम ओरियो फ्लरी और ऊपर से इसने चॉकलेट डलवा रखी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये इशू की। और ये है मेरी और राशि की कोन वाली आइसक्रीम, बहुत टेस्टी बता रहा है इशू। और ये है मेरी आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा यम्मी है आइसक्रीम भी ना, इनकी बिल्कुल अच्छी वाली क्रीम होती है इनकी और बहुत ही अच्छा इनके कोन का टेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ये। तो खाना खाने के बाद मीठा वैसे भी सबको अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम से अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास। तो मुझे वेनिला फ्लेवर चाहिए था तो मैंने वेनिला फ्लेवर लिया है,
चॉकलेट स्ट्रॉबेरी आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं और वेनिला बर्फी। तो हमारे व्लॉग को एंड तक देखिए।